नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लोकल टीवी और लोकल टीवी के 28 मई के कुछ खास खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियों से। मिल गया चोरी हुआ फोन, सेकेंड हैंड फोनों की दास्तान, कांस्टेबल और एसआई में फाइट, गर्मी में सड़कें खाली, रोज कटेगी बिजली, हर दुकान चेकिंग। तो आइए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। आजकल पुलिस CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करके धड़ल्ले से खोए हुए सेलफोन ढूंढ कर ला रही है। कागजनगर की इमरान और ईसगांव के रमेश का फोन कल ईसगांव पुलिस ने ढूंढ कर लाया। ये सब संभव हो पाया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई CEIR पोर्टल से। आप जब पुलिस के पास अपने खोए हुए फोन का रिपोर्ट दर्ज करेंगे तब पुलिस आपसे IMEI नंबर मांगेंगे। ये नंबर आपके फोन के साथ मिले डब्बे पर लिखी रहती है। पुलिस वेबसाइट खोलती है, आपका IMEI नंबर डालती है और तुरंत आपके फोन का लोकेशन पुलिस को पता चल जाता है। यही खासियत है CEIR पोर्टल वेबसाइट की। फोन से ही जुड़ी एक जानकारी भी हम आपको देना चाहते हैं। कुछ लोगों को सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन खरीदने की बड़ी इच्छा होती है क्योंकि ये फ़ोन सस्ते होते हैं। ऐसे में कई लोग ऑनलाइन या फिर किसी दुकान पर जाकर सेकंड हैंड फ़ोन खरीदने लग जाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी आपको जान लेना चाहिए। मामला कागजनगर का ही है जहाँ पर एक अजीब घटना देखने को मिली। एक व्यक्ति ने सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदा था, वह फ़ोन को पाकर बड़ा खुश हो गया। अपने दोस्तों में दिखाने लगा कि बहुत कम पैसों में उसे नया फ़ोन मिल गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस उसके दरवाजे पर आ पहुंची। पुलिस ने बताया कि ये फोन चोरी हो गया था, जिसके बाद किसी ने चोर बाजार में इस फोन को बेच दिया। चोर बाजार से घूमता फिरता ये फोन हैदराबाद के जगदीश मार्केट आ पहुंचा। इसी मार्केट से इस भाई साहब ने सेकंड हैंड में इस फोन को खरीद लिया। अब फोन का असली मालिक ने फोन गुमने की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने CEIR पोर्टल के जरिए इस फोन को ढूंढ लिया, जिसके चलते कागजनगर का लोकेशन दिखाई दिया। अब पुलिस ने फोन को सीज करके उसे अपने असली मालिक को दे दिया है और हमारे कागजनगर के इस भाई को बड़ा चूना लग गया है। इसलिए दर्शकों, सेकेंड हैंड फोन खरीदने या किसी से गिफ्ट में फोन लेने से परहेज करें। शराब जैसी नशीली चीज से अक्सर ऐसा नशा होता है जिसके कारण लोग वाद विवाद पर उतर आते हैं, कई जगह तो मारपीट भी होती है। इसी तरह का एक मामला हमारे ही ज़िले में कहीं पर आया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में एक सब इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबल को ही पीट दिया। घटना कहां की है फिलहाल पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ड्यूटी के बाद एक सब इंस्पेक्टर और उनका कांस्टेबल शराब की दुकान पर गए थे। पीते पीते दोनों में कुछ विवाद हो गया, जिसके चलते नौबत हाथापाई तक आ गई। दोनों पुलिस वालों की इस लड़ाई को देखकर लोग हैरान रह गए थे। मामला इतना फैला कि पूरे मीडिया में छा गया, लेकिन फिलहाल दोनों पुलिस ऑफिसरों का नाम गुप्त रखने को कहा गया है। इतनी गर्मी में भला कौन बाहर निकले, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, लोग घर से बाहर आने को डर रहे हैं। धूप इतनी है, गर्मी इतनी है कि लोग घर में रहकर ही सुकून पा रहे हैं, बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे। ऊपर से रह कर छींटे भर बारिश आ रही है, जिससे कि गर्मी और बढ़ती जा रही है। कूलर चल रही है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। एसी के बगैर लोग पागल हो रहे हैं। किचन में खाना बनाने जाओ तो लगता है जैसे अभी मर जाएंगे। नहाकर बाहर आए कि फिर पसीना। आज तापमान करीब 47 डिग्री के आसपास चला गया था। पूरा आदिलाबाद इलाका बहुत गर्मी झेल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पूरे तेलंगाना राज्य में करीमनगर सबसे गर्म इलाका देखने को मिल रहा है, जहाँ रोज करीबन 48 से 49 डिग्री टेम्परेचर चला जा रहा है। इस गर्मी से कब निजात मिलेगी भगवान ही जाने। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली गुल। दर्शकों, ये बहुत ही मुश्किल समय है। लाइन मेंटेनेंस के नाम पर अब रोज ही करंट काटा जाएगा। बिजली विभाग के एरिया इंजीनियर ने बताया है कि रोज 9 बजे से 12 बजे तक कहीं ना कहीं पर बिजली काटी जाएगी। कल रेलवे स्टेशन के उस पार कापूवाड़ा इलाके में करंट काटी गई थी। आज ओल्ड कॉलोनी, टीचर्स कॉलोनी और आसपास के इलाकों में करंट काटी गई है। कल भी पेट्रोल पंप इलाके की तरफ करंट काटा जाएगा। ऐसे ही करके रोज सुबह 9 बजे से 12 तक कहीं ना कहीं बिजली जाएगी। ऐसे में लोग परेशान हैं कि बगैर बिजली के गर्मी में कैसे जिंदा रहे। इन्वर्टरों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। शाम में जरा हवा चलने पर करंट काटा जा रहा है, सो अलग। घंटों तक बिजली ना रहने से लोग पसीने में परेशान हो रहे हैं। अभी से ये हाल है तो बारिश का समय बिजली का क्या हाल होगा।
जैसा कि हमने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर की दुकानों में कड़क चेकिंग शुरू की जाएगी। कल कागज नगर शहर में ये चेकिंग शुरू हो गई। कागज नगर टाउन के सर्किल इंस्पेक्टर श्री शंकरैया जी ने खुद अलग अलग फर्टिलाइजर दुकानों में जाकर दुकानों में मौजूद माल की जांच की, साथ ही साथ दुकानों के लाइसेंस से जुड़े कागज भी देखे। उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाकर कहा कि ये चेकिंग जारी रहेगी और यदि कोई व्यापारी नकली सामान बेचता हुआ पाया गया तो उसका सामान सीज कर लिया जाएगा और उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नए समाचारों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।